क्लास हमारी एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें हमने क्या करना है, इसको जो नंबर्स दिए हैं इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब उसकी पावर की फॉर्म में लिखना। तो वो कैसे लिखेंगे, जैसे 3 × 3 × 3 फाइव टाइम दिया आपको, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो आपने क्या कर देना 3 की पावर 5 कर देना। कहने का मतलब ये है, ये इसका क्या होता है, बेस होता। जब बेस सेम होता तो हम ऊपर वाली पावर्स को क्या कर देते हैं, ऊपर 1 है 3 की पावर 1 है 3 की पावर 1 है, तो ऊपर वाली पावर्स को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो -2 की पावर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे सेकंड पार्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे 1/343 दिया, तो आपने क्या करना है, हमने पिछली क्लास में एलसीएम लेना सीखा था, ठीक है। 343 का एलसीएम लोगे पहले आप, इसको ऐसे सॉल्व करना 7 के टेबल पर, तो ये कितना आएगा, 7 × 4 = 28, तो 7 = 63। उसके बाद 7, 7, तो आप अब इसको कैसे लिख सकते हो, 1/7 × 7 × 7, 343 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 × 7 × 7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/7 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसको आपने दूसरे पार्ट को ऐसे डिनोट करना, ठीक है। उसी तरह 64/729 है, 64/729 है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, 64 आप ऐसे सॉल्व करोगे 2, 32, 2, 16 एलसीएम लेके, तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर 6। उसके बाद ये क्या, नीचे 729 है, ये भी किसके टेबल पर जाएगा, 729, 3, 3, 3 के टेबल पर जाते जाते 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने सॉल्व करना, ओके। उसके बाद ईच एक्सप्रेस करना ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो 2/5 की पावर आपको क्या दी है, 5 दी है, तो इसका मतलब इसको आपने 5 बार ओपन करना, 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, उसी तरह 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 बार, ठीक है। तो इसको आप बाद में मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32। उसी तरह 5, 5 × 5 = 25, 25 × 125, 125 × 625, 625 × 3125, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना, 32/3125, ठीक है। तो इसी तरह आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करके आपने इस तरह सिंपलीफाई करना। तो जो कल लिंक भेजा था उसको भी एक बार ध्यान से देखना, ठीक है, उसमें सारी इंट्रोडक्शन है इसकी। तो इस तरह ये पार्ट करने आपने पहले 3, ठीक है।